फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में गुजराती चेस जोन में। आज मैं आपको डेनिस गैम्बिट के बारे में बताऊंगा। डेनिस गैम्बिट यानी शुरुआत से हम टू पॉन सेक्रीफाइस करके खेलते हैं गेम, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसमें। बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट और बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग मूव है, अटैकिंग लाइन है। जो भी अटैकिंग प्लेयर है उनको ये लाइन ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करता है डेनिस गैम्बिट। वाइट से हम खेलेंगे e4। नॉर्मली डेनिस गैम्बिट e4 अगेंस्ट e5 के लाइन में ही होता है, e4 e5। उसके बाद यहाँ पे आपको d4 खेलना है, c e takes d4, देन c3, d into c3, और यहाँ पे bishop c4। अब c into b2 और bishop takes b2। स्टार्टिंग पोजीशन में आपको लगेगा कि ये दो दो पॉन डाउन में हम गेम कैसे जीत सकते हैं, लेकिन गेम खेलने का मजा ही यहीं से शुरू होती है। क्योंकि देखिए, आप पोजीशन वाइट के सारे पीसेस एक्टिव है, दोनों बिशप डेवलप है और ब्लैक के सारे पीसेस सो रहे हैं अभी तक। तो यहाँ से bishop into b2 के बाद ब्लैक के पास एक ऑप्शन है queen g5। अलग अलग ऑप्शन हम देखेंगे। queen g5, अगर queen g5 में knight f3, g2 और rook g1, queen h3। अब यहाँ पे देखो g7 पॉन टारगेट में भी है, द क्वीन इज बैडली प्लेस्ड ऑन h3, और f7 पॉन भी वीक है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा थ्रेट होगा कि bishop takes f7 आफ्टर king takes f7 और knight g5 चेक, और यू कैन गेट द क्वीन। एक ये है। अब हम इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की गेम में आपको दिखाऊंगा कि उस गेम में वाइट ने किस तरह अलग अलग मूव्स के अगेंस्ट रिप्लाई दिए हैं, जिससे आपके टेनिस गैम्बिट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कुछ गेम्स भी देख लेते हैं। e4, e5, d4, e takes d4, c3, d takes c3, bishop c4, c into b2, bishop into b4। यहाँ पे एक वेरिएशन ऐसा भी है कि ब्लैक जनरली चेक देता है शुरुआत में भी बिफोर चेक। यहाँ पे वाइट से आपको knight d2 खेलना है। उसके बाद अगर queen g5 खेलते हैं, मतलब नाइट पे दो दो अटैक, और वाइट चाहता है कि जल्दी से जल्दी सारे पीसेस एक्सचेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे काउंटर अटैक knight g f3 अटैक द क्वीन, और सेम टाइम डिफेंस ऑन नाइट। queen takes g2, फिर से यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये गलत मूव है। queen into g2 आफ्टर rook g1, bishop takes d2, यहाँ आप सरप्राइज होना है। अगर आप नाइट से बिशप मारते हैं तो सिंपल ब्लैक विन हो जाएगा, रुक टेक्स क्वीन, और क्वीन से बिशप मारते हैं तो क्वीन टेक्स नाइट। लेकिन एक वेटिंग मूव जो है वो ब्लैक ने देखा नहीं है, यहाँ पे king e2, आफ्टर king e2 एंड वाइट विन्स। यहाँ पे गेम कैसे जीतते हैं देखिए। अब queen h3, क्वीन के पास एक ही ऑप्शन है, और उसके बाद queen takes d2। अब ये पोजिशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। knight f6 डेवलप करेगा, आफ्टर knight f6 bishop takes f7 चेक, और किंग कांट कैप्चर द बिशप बिकॉज knight g5। तो king d8 जाता है, तो यहाँ पे rook takes g7, knight cross e4, और यहाँ मैं आपको बहुत ही अग्रेसिव और सैक्रिफाइसल मूव queen g5। आफ्टर queen g5 चेक, knight takes g5, और bishop f6 चेकमेट। तो देखो ये काफ़ी टिपिकल और टैक्टिकल लाइन है, तो सभी में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही काम में आने वाली लाइन है। दूसरी गेम देखते हैं जहाँ पे e4, e5, d4, e takes d4,
सी थ्री डी टेक्स सी थ्री, बिशप सी फोर पॉन टेक्स और बिशप टेक्स बी टू। उसके बाद बीबी फोर चेक, या एक और भी वेरिएशन है दोस्तों, नाइट डी टू के बजाय आप नाइट सी थ्री भी खेल सकते हो। नाइट सी थ्री ब्लैक खेलेगा नाइट एफ सिक्स, जल्दी से जल्दी उसको कैसल करना है क्योंकि वो डेवलपमेंट में बहुत ही पीछे है। तो कैसलिंग हो जाने के बाद व्हाइट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे नाइट जी ई टू, और क्या होता है अगर कैसलिंग, यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, नाइट टेक्स ई फोर, नाइट इंटू ई फोर, फिर से यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा तो हम बहुत ही बैड मूव है, और यहाँ से व्हाइट इजीली गेम जीतता है कैसलिंग। नाइट क्रॉस सी थ्री, नाइट टेक्स सी थ्री, बिशप टेक्स सी थ्री, बिशप टेक्स सी थ्री। अब ब्लैक को लगता है कि वो सिंपली दो पॉन अप है और तीन पॉन अप है, सॉरी यहाँ पे सेवन वर्सेस फोर पॉन है, और कैसल करने के बाद ब्लैक को लगता है कि वो इजीली गेम जीत जाएगा, लेकिन यहाँ से ही व्हाइट का अटैक शुरू होता है। अब कैसे होता है, सबसे पहले क्वीन जी फोर चेकमेट की थ्रेट है। अब इसके सामने फोर्स मूव है जी सिक्स और क्वीन डी फोर, फिर अनअवॉइडेबल चेकमेट है दोस्तों, ना तो एफ सिक्स हो सकता है ना एफ फाइव हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सी फोर वाला बिशप एफ सेवन को पिन कर रहा है। तो दोस्तों ये भी गेम आपको काफी पसंद आएगी। इसके बाद देखते हैं दूसरी गेम, यहाँ पे ई फोर ई फाइव डी फोर पॉन टेक्स पॉन सी थ्री पॉन टेक्स पॉन और बिशप सी फोर अगेन पॉन टेक्स पॉन और बिशप टेक्स बी टू। तो दो दो पॉन सेक्रीफाइस करने के बाद बहुत ही जोरदार अटैक मिलता है आपको खेलने के लिए, लेकिन इसमें प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। अब अर्ली अटैक ब्लैक जल्दी डेवलप करने के लिए मोस्टली चेक ही देता है बिशप बी फोर, या हम एज यूजल नाइट सी थ्री खेलेंगे, आफ्टर नाइट एफ सिक्स नाइट जे ई टू नाइट क्रॉस ई फोर, और यहाँ कैसल सेम पोजीशन रिपीट हो रही है इससे पहले वाली गेम की, नाइट टेक्स सी थ्री, यहाँ आपको नाइट टेक्स सी थ्री करना है, बिशप टेक्स सी थ्री, बिशप टेक्स सी थ्री, और उसके बाद अगर ब्लैक ने कैसल नहीं किया क्वीन जी फाइव किया, यहाँ पे आप सोचोगे अब हम क्या करेंगे, कैसे अटैक करेंगे। क्वीन जी फाइव में सिंपल आर ई वन चेक। अब देखो ये चेक में फोर्स किंग को मूव करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी इंटरपोज नहीं होता है, क्वीन किंग डी एट। उसके बाद क्वीन को डिकॉय करना है एच फोर, क्वीन टेक्स एच फोर और बिशप क्रॉस जी सेवन, सारे फोर्स मूव है रुक जी एट। रुक जी एट के बाद में क्वीन सैक्रिफाइस करना है क्वीन जी फोर, अगर क्वीन टेक्स क्वीन करता है तो बिशप एफ सिक्स चेकमेट है, तो यहाँ पे वाइट क्वीन एच सिक्स और बिशप एफ सिक्स चेक, क्वीन टेक्स एफ सिक्स और क्वीन जी एट चेकमेट। बहुत ही शॉर्ट मूव है, 15 मूव में चेकमेट हो रही है। मैंने बहुत सारी गेम दिखाई जो जो आपको कम से कम मूव में चेकमेट करके देती है, और भी हम मूव देखेंगे जैसे कि नाइट सी सिक्स चेक के अगेंस्ट, अगर चेक नहीं देता है ब्लैक तो कुछ अल्टरनेटिव क्या खेल सकता है। यहाँ पे आप डी फोर पॉन टेक्स पॉन सी थ्री पॉन टेक्स पॉन बिशप सी फोर फिर पॉन टेक्स पॉन बिशप टेक्स बी टू। उसके बाद अगर ब्लैक ने चेक नहीं दिया और यहाँ पे ब्लैक ने नाइट सी सिक्स किया है तो मूव चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल खेलना है नाइट एफ थ्री। नाइट एफ थ्री के बाद ब्लैक खेल रहा है क्वीन ई सेवन अटैक ऑन ई फोर पॉन, क्वीन ई सेवन ये भी मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, यहाँ पे आपको सिंपली कैसल करना है। ब्लैक कैन नॉट कैप्चर योर पॉन बिकॉज ऑफ रुक ई वन थ्रेट है। कैसल के बाद ये डी सिक्स बिशप ओपन करके लॉन्ग कैसल का प्लानिंग कर सकते हैं ब्लैक। तो डी सिक्स में सिंपल नाइट सी थ्री, अब थ्रेट है नाइट डी फोर और नाइट बी फाइव, नाइट डी फाइव और नाइट बी फाइव, दो तरीके से मूव है। आफ्टर नाइट सी सिक्स व्हाइट खेल रहे नाइट
c3 और उसके बाद ब्लैक बिशप g4 पिनिंग दिस नाइट। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो हमारा नाइट भी पिन हो गया है और पीसेस डेवलप भी नहीं हुए हैं और ब्लैक के सारे पीसेस धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से अटैक कैसे करें। अब वाइट को खेलना है qb3 लॉन्ग कैसल जरूरी है क्योंकि क्वीन टेक्स b7 थ्रेट में है। आफ्टर लॉन्ग कैसल आपको खेलना है नाइट d5 क्वीन d7 ओनली मूव, उसके बाद नाइट d4 रिमूविंग द नाइट। अब नाइट टेक्स d4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी अटैक बढ़ रहा है। नाइट g7 अगर ब्लैक ने खेला सपोर्ट के लिए, सिंपली नाइट b5 a6 नाइट बी क्रॉस c7 बहुत ही बढ़िया शानदार मूव। नाइट क्रॉस b7 नाइट क्रॉस d5 यहाँ पे आपको खेलना है। अगर नाइट क्रॉस d5 या सिंपल नाइट क्रॉस d5 नाइट a5 ब्लैक रिलैक्स रहता है कि चलो नाइट a5 हो गया, लेकिन नाइट b6 फॉर्क क्वीन किंग c7 और उसके बाद qb4 क्वीन c6 काउंटर अटैक ऑन नाइट, नाइट d5 चेक किंग b8 और क्वीन क्रॉस a5। अब देखो यहाँ पे ये रुक मर रहा है इसलिए क्वीन टेक c4 पॉसिबल नहीं है और सिंपल 1-0। नेक्स्ट मूव देखते हैं दोस्तों। इसके बाद की एक गेम है जिसमें एक पोजीशन है, मैं यहाँ पे आपको एक पोजीशन दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये पोजीशन है डेनिस गैम्बिट की एक गेम की, जहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट मूव व्हाइट ने खेला था इस गेम में। इस पोजीशन में मटेरियल इक्वल है, दो बिशप दो रुक क्वीन नाइट, दो बिशप दो रुक क्वीन नाइट और पॉन भी इक्वल हो गए थे। और इसके बाद व्हाइट ने सैक्रिफाइस मूव किया था नाइट g5, बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। बिशप टेक्स g5 नॉट पॉसिबल बिकॉज रुक टेक्स e8 थ्रेट है। तो यहाँ पे g6 रिप्लाई, ब्लैक ने g6 किया था क्योंकि पॉन टेक्स नाइट, उसमें क्वीन h5 और फिर अनएवॉइडेबल मेट आ रही है। तो g6 के बाद में व्हाइट ने नाइट क्रॉस h7 आफ्टर किंग क्रॉस h7 देन क्वीन h5। अब ये पिनिंग पॉन है और क्वीन टेक्स h6 की थ्रेट है, तो बिशप f8 अगर करता है तो सिंपल रुक टेक्स e8। तो यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देता है किंग g7 क्वीन h6 चेक किंग g8 उसके बाद बिशप सैक्रिफाइस, बिशप टेक्स g6 एफ टेक्स g6 क्वीन टेक्स g6 किंग h8 क्वीन क्रॉस e8 चेक किंग g7 क्वीन h5 क्वीन d6 रुक e3 और उसके बाद ब्लैक रिजाइन। तो दोस्तों ये थी पोनो बेटोनिक ये थी सारे डेनिस गैम्बिट। मैं बार बार आपको पेनो बेटोनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पेनो बेटोनिक अटैक के ऊपर। तो हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरो कान डिफेंस विथ पेनो बेटोनिक अटैक। बहुत ही अटैकिंग लाइन है पेनो बेटोनिक। तो डेनिस गैम्बिट आपको पसंद भी आई होगी, आप ये डेनिस गैम्बिट दो पॉन सेक्रीफाइस करके
जल्दी से जल्दी अपने पीसेस डेवलप करके ब्लैक के ऊपर जबरदस्त अटैक कर सकते हैं, लेकिन अटैक आपका कंटिन्यूज रहना चाहिए, जिसमें हम दो पॉन सेक कर देते हैं और अगर हमारा अटैक कंटिन्यू नहीं रहता है तो सिंपली एंड गेम में हम लॉस हो जाएंगे। तो ये आपको रिस्क की भी लाइन है, लेकिन इतनी भी रिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग खेलते हैं प्लेयर और कुछ लेवल की रेटिंग तक आप खेल सकते हो, जैसे कि 1800 या 1900 इन फिडे। आप 1900 अगेंस्ट ये ट्राई कर सकते हो, उससे ज़्यादा रेटिंग वाले प्लेयर के सामने गैम्बिट दोस्तों लाइन कभी खेलनी नहीं है, क्योंकि हायर रेटेड प्लेयर गैम्बिट लाइन को आराम से वो अपना पॉन वापस ले लेते हैं आपका। अगर पॉन उसने ले लिया है तो वो वापस देंगे भी नहीं, उनके पास बहुत ही स्टडी किए हुए प्लान्स होते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि गैम्बिट लाइन खेलो, लेकिन लोअर रेटेड के सामने 1900 तक आप ये ट्राई कर सकते हो। हालांकि स्कैंडिनेवियन डिफेंस तो सुपर ग्रैंड मास्टर भी खेलते हैं, जो मैंने स्कैंडिनेवियन में पॉन सेक्रीफाइस करके हम लोग खेलते हैं, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल में स्कैंडिनेवियन के बारे में मिल जाएगी। आप पहले के वीडियो सर्च करोगे तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट E4, उसमें स्कैंडिनेवियन डिफेंस की बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है, जैसे गैरी कास्पारोव की लाइन भी है उसमें। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस हाल ही में मैग्नस कार्लसन खुद खेले थे और उसके अगेंस्ट एक और गेम में अधिबान ने स्कैंडिनेवियन डिफेंस खेल के पॉन सेक्रीफाइस शुरुआत में किया था, लेकिन लास्ट में उगम उसने ड्रॉ निकाली थी। तो दोस्तों मेरी सारी ओपनिंग्स आप स्टडी करो वन बाय वन, कोई भी एक ओपनिंग चूज करो, उसके बारे में मैं सारे डिटेल्स में आपको वीडियोस यहाँ पे देता रहूँगा। जल्द ही मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात, और हो सके तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।